हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 फिट बाई 45 फिट के प्लॉट साइज प्लानिंग और उसके डिटेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। इसको हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों के साथ प्लान किया हुआ है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के वन साइड रोड है और थ्री अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी है। ये हमारा रोड रहेगा, यहाँ से हमारी एंट्री है, ये हमारी 9 फिट चौड़ी एंट्री रहेगी। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हैं, सामने पर आपके लिए पार्किंग एरिया और स्टेयर केस दिया हुआ है। यहाँ से हमारा स्टेयर केस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा और स्टेयर केस का डिटेल रहेगा 3 फिट 6 इंच चौड़ा, ये हमारा स्टेयर केस रहेगा और इसका राइजर 7 इंची रहेगा, ट्रेड इसका 10 इंची रहेगा। ऐसे जाएगा ये स्टेयर केस और ऐसे घूम जाएगा, यहाँ एक स्टेप बन जाएगा। फ्रंट पर हमने एक शॉप डिजाइन की हुई है जिसका साइज 9 फिट 1.5 इंच बाई 11 फिट है। शॉप पर ये हमारा शटर रहेगा, रोलिंग शटर। फिर आप यहाँ से एंट्री करते हैं घर के अंदर, एंट्री करते ही ये हमारा लॉबी एरिया रहेगा 9 फिट 1 इंच बाई 15 फिट 1.5 इंच का। लॉबी एरिया से अटैच ये हमारा टॉयलेट रहेगा 9 फिट 1.5 इंच बाई 4 फिट का। टॉयलेट का वेंटिलेशन पार्किंग एरिया में रहेगा। इस वाले गेट की चौड़ाई 3.5 फिट रहेगी। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये हमारा ओपन आर्च रहेगा और ये हमारे किचन रहेगा। किचन का साइज 9 फिट 1 इंच बाई 7 फिट रहेगा। किचन में पार्किंग की साइड हमने विंडो दिया हुआ है। किचन का प्लेटफॉर्म हमारा 2 फिट चौड़ा रहेगा और ये हमारा एल से प्लेटफॉर्म रहेगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं, सामने पर यहाँ हमने बेडरूम प्लान किया हुआ है जिसकी एंट्री इस 3.5 फिट के गेट से होती है। बेडरूम का साइज 9 फिट 1 इंच बाई 13 फिट है। बेडरूम का वेंटिलेशन यहाँ विंडो के थ्रू हमने दे रखा है क्योंकि यहाँ पर हमने OTS दिया हुआ है 4 फिट 6 इंच बाई 4 फिट 6 इंच का। फिर आप यहाँ से एंट्री करते हैं, ये हमारा दूसरा बेडरूम है जिसका साइज 9 फिट 10 इंच बाई 12 फिट 4.5 इंच है और यहाँ पीछे हमने OTS में जाने के लिए बेडरूम से गेट दे रखा है और उसके साथ वेंटिलेशन के लिए अटैच विंडो। और यहाँ हमने पीछे इस कॉर्नर में बाथरूम प्लान किया हुआ है 4 फिट बाई 4 फिट 6 इंच का। बाथरूम का वेंटिलेशन इस OTS में ही रहेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के बारे में। तो यहाँ से आप आ जाएंगे, स्टेयरकेस को हमने थोड़ा चेंज किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, स्टेयरकेस हमने पहले यहाँ से लिया था इस वाले कॉलम से, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे स्टेयरकेस को हमने आगे बढ़ा दिया है। और ये जो आप डैश लाइन देख रहे हैं, यहाँ तक हमारा स्लैब रहेगा तो इसको हम यहाँ शॉप को ऊपर कवर कर सकते हैं। तो ऊपर यहाँ हमारा ये 1.5 फिट का स्पेस बढ़ जाता है। तो यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये हमारा लॉबी एरिया हो जाएगा ऊपर जाके 10 फिट 9 इंच बाई 10 फिट 2 इंच का। और यहाँ फ्रंट पर हमारा शॉप के जस्ट ऊपर ये हमारा ड्राइंग रूम बन जाएगा 10 फिट 7.5 इंच बाई 10 फिट 7.5 इंच का। ड्राइंग रूम के बाहर ये हमने बालकनी बनाया हुआ है जो कि हमने रोड पर 3 फिट छज्जा निकाल के इसको बनाया हुआ है। इसमें जाने के लिए गेट रहेगा और यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दिया है। विंडो का साइज 3 फिट 6 इंच है, आप इसको 4 फिट या 5 फिट कर सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं, इस तरफ ये हमारा किचन रहेगा 8 फिट बाई 9 फिट का, काफ़ी बड़ा साइज का आपको यहाँ किचन मिल जाएगा। और यहाँ लॉबी एरिया से अटैच ही हमारा टॉयलेट रहेगा 6 फिट बाई 4 फिट 10 इंच का। और टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ हमने OTS दिया है 2 फिट बाई 5 फिट का। और ये हमारा टॉयलेट का गेट है, टॉयलेट के गेट को आप इस तरफ भी कर सकते हैं, OTS से भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स, ये हमारा बेडरूम रहेगा जो कि आप पहले देख रहे थे, ये सेम बेडरूम है पीछे वाला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 12 फिट 4.5 इंच बाई 9 फिट 1 इंच का।
और यहाँ हमारा ये वही सेम बेडरूम है जो नीचे था, 9 फिट 1 इंच बाई 13 फिट का। पीछे ओटीएस और यहाँ विंडो दिया है, और इस साइड भी हमने कॉर्नर में बाथरूम, बाथरूम में जाने के लिए हमने बेडरूम से गेट और उसके साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दे रखा है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके कॉलम लेआउट के बारे में। तो हमने 9 इंचेज बाई 9 इंचेज के ये हमने कॉलम दिए हुए हैं। कॉलम का डिस्टेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर डिस्टेंस आपके लिए मिल जाता है। और आप इस प्लॉट को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो काफ़ी शानदार ये बन सकता है, 20 फिट बाई 45 फिट में 100 गज में। तो 9 इंचेज बाई 9 इंचेज के ये हमारे कॉलम रहेंगे, और टोटली इसमें आप देख सकते हैं 3, 6, 15 कॉलम हमने इसमें दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स और कॉलम में जो हमने बार दी हुई है वो 4 बार 16 mm की दी हुई है, और रिंग जो रहेगा हमारा 10 mm डाया और 6 इंच सेंटर टू सेंटर, 8 mm से भी आप इसको बांध सकते हैं, चलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्लानिंग पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।